भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है और WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई भी टीका नहीं बना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सावधानी से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद और परिवार को बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वराज सेहत और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं साई बाबा आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष महोबिया जी, जो नेत्र और लेजर के साथ साथ रेटिना विशेषज्ञ हैं। तो शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश स्वराज सेहत। सबसे पहले आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज कोरोना को लेकर देश विदेश हर कोई परेशान है, अगर बात आंखों की जाए तो आंखों पर कितना असर डालता है ये? सबसे पहले तो नमस्कार आपको और समस्त दर्शकों को जो आपके माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आंखें कोरोना से अफेक्ट नहीं होती। इनफैक्ट कुछ ऐसे केसेस पाए गए हैं जहां पे आंखों के द्वारा संक्रमण हुआ है, या क्यों कहिए तो आंखों में जो संक्रमण था वो शायद छाती से या गले से या सर्दी खांसी की या बुखार के पहले पता चला हो। तो ये एक बात हो सकती है इम्पोर्टेंट की आंखों में जो कंजंक्टिवाइटिस होता है वो इस वायरस से हो सकता है। लेकिन ये बोलने के बाद ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि चूंकि अभी ये गर्मी का मौसम बदलाव आ रहा है, मौसम ठंड से हम गर्मी में आ गए हैं, ऐसे समय नेचुरली भी वायरस का संक्रमण होता है। तो हर कंजंक्टिवाइटिस आंखों में कोरोना वायरस ही होगी ऐसा कह के डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस होने की संभावना अत्यंत क्षीण है, तो ज्यादा करके होगा ये कि आंखों में सामान्य कंजंक्टिवाइटिस जो वायरस होता है एडिनो वायरस वो होगा, कोरोना वायरस नहीं। ठीक है, तो क्या हम चश्मे को भी सैनिटाइज कर सकते हैं? जी मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, किसे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है आशीष जी? जी आपने कुछ कहा सैनिटाइज करना है, किसको सैनिटाइज करना? क्या चश्मे को भी हम सैनिटाइज कर सकते हैं? जी हाँ जी हाँ, चूंकि जिसे हम कहते हैं फोमाइट्स, मतलब हमारे मोबाइल, हमारे घड़ी, हमारा पेन, हमारा चश्मा, सब में इसके कीटाणु आ सकते हैं और ये तो हमारे चेहरे पे है। तो जब भी हम कहीं से आ रहे हैं ऐसी संक्रमण वाली जगह से, तो उसको अगर सैनिटाइज ना कर सके तो साबुन पानी से धोना भी कई बार पर्याप्त होता है। जी आशीष जी, हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेंस पहनते हैं, जब उनको जरूरत होती है लेंस की या पढ़ाई करते समय वो लेंस लगा देते हैं, बाद में उतार देते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष सावधानी है, क्या कुछ उनको सावधानी रखनी चाहिए? ये उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप साफ सुथरे वातावरण में हैं जहां कोरोना का संक्रमण नहीं है, आप अपने परिवार में हैं, ऑफिस में हैं और लिमिटेड एरिया में हैं जहां कोरोना का कोई संक्रमण का खतरा नहीं है, तो आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं और आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे संक्रमण है, या फिर नर्सिंग स्टाफ हैं या अस्पताल के स्टाफ हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग शायद न करें तो थोड़ा सा बेहतर होगा। और दूसरी बात यह कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं और अगर आंखों में किसी प्रकार का दर्द या लालिमा या होता है कभी कभी लाइट को देखने में तकलीफ या किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, तो तुरंत उस कॉन्टैक्ट लेंस को निकाल के रख देना चाहिए और कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बहुत कॉमन मिस्टेक और भी है जो आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो ये कि कई बार लोग उसका पानी डेली चेंज नहीं करते और उसकी क्लीनिंग जो करनी चाहिए वो नहीं करते, तो उसका पानी डेली लेवल पे चेंज करने से पानी में भी कीटाणु नाशक होता है, वो उसे स्टराइल कर देगा, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस का जो सोल्यूशन होता है उसे डेली चेंज करना चाहिए और उसे हथेली में घुमाने का जो तरीका होता है साफ करने का, साफ करना चाहिए, इससे संक्रमण नहीं होगा। जी आशीष जी, हमारे साथ में एक छपरा से कॉलर जुड़ गए हैं, जुगल किशोर। जुगल, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, आपका सवाल बताइए।
जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा उम्र 55 साल हुआ। हेलो जी, जी सवाल बताइए अपना। मैं हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हूँ अप्रैल 2019 से, लेकिन अभी दो तीन रिपोर्ट आई है जिसमें निगेटिव आया, तो हमको इस कोरोना के माहौल। आपकी आवाज जुगल किशोर जी, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में चले जाइए। जी जी, मेरा कहना है कि मैं हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हूँ। जी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। मैं 2019 अप्रैल से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हूँ। जी हेलो। जी जी बोलिए, सवाल दोहराइए अपना। जी मेरा उम्र हुआ 55 साल। जी और मैं 2019 अप्रैल से हेपेटाइटिस बी का रोगी हूँ, लेकिन इधर दो तीन बाद रिपोर्ट मैंने चेकअप कराया तो निगेटिव आया है, तो इस बार हमको ज्यादा कफ निकलता है दो तीन महीने से, तो अभी हम क्या प्रिकॉशन लेंगे कोरोना में? जी अगर आपको हेपेटाइटिस बी से आप संक्रमित हैं और नेगेटिव आया है, तो आप ये समझ लीजिए आप सामान्य हैं लेकिन थोड़े से कमजोर हैं, क्योंकि आपको एक बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है और वायरस का संक्रमण है। तो आप ये करिए कि जो सामान्य जो परहेज है वो थोड़ा सा ज्यादा पालन करिए, जैसे कि फेस वॉश करना, हाथ को धोते रहना। इसके अलावा दो चीज और काम करती है, वो ये कि जो एक्स्ट्रा है, जो आप ऐसे तो बहुत कुछ आजकल मीडिया में और पेपर में हम व्हाट्सएप पे देख लेते हैं, एक नई बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा ये कि स्टीम एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट होता है और स्टीम ऐसी चीज है जो वायरस को बिल्कुल तुरंत मार देती है, उसमें जो एनर्जी होती है वो आग से भी ज्यादा होती है। तो अगर हम भाप लेते हैं तो भाप से न सिर्फ हमारा गला बल्कि हमारे नाक, हमारा साइनस और हमारे फेफड़े गहराई तक जाके वो पूरे के पूरे उसको स्टराइल कर देता है। मैं भी एक डॉक्टर हूं और जब मैं वापस अपने घर जाता हूं तो अपने कपड़ों को बाहर रखने करने के अलावा और सावधानी लेने के अलावा सबसे पहला काम करता हूं कि मैं स्टीम ले लेता हूं, क्योंकि बाहरी सतह पे जो आपको वायरस हुआ है वो तो आप सैनिटाइज करके और अल्कोहल से ठीक कर लेंगे, लेकिन मान लो किसी वायरस ने आपके अंदर कुछ घर बना लिया या कुछ अपनी कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आप अंदर तो सैनिटाइज नहीं करेंगे अपने नाक को या अपने गले को, राइट? तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है मैडम जो टीवी कर्मी है, मीडिया कर्मी है, एक बार सैनिटाइज करना चाहिए। मोदी जी ने गर्म पानी पीने की बात कही थी, लेकिन गर्म पानी देखिए हमारे खाने की नली में जाता है और ये जो संक्रमण होता है ये श्वास की नली में होता है। तो ठीक है, गर्म पानी कुछ हद तक काम करेगा, वो वातावरण को गर्म करता है, गर्मी से वायरस शायद जिंदा ना रह पाए, लेकिन ये क्या ये कहीं अधिक लाभदायक या श्रेयस्कर नहीं होगा कि हम सीधे स्टीम ले लें और जहां पे भी वायरस है वो पूरे फेफड़े के अंदर तक जाके उसको तुरंत जला देगा। जी, और इस बीच हमारे साथ में कॉलर जबलपुर से जुड़ गए हैं। अमित, अमित बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। मेरा नाम अमित कुमार खर्च है। मेरा वजन जो है 78 केजी है और मुझे जो है जैसे रेड मीट खाने से डायबिटीज हो गई है, तो मैं अपना बचाव किस तरह करूं और इस समय क्या प्रिकॉशन रखूं? मेरी डायबिटीज भी बढ़ी हुई आ रही है, मैंने अभी घर में चेक करी। तो अमित जी, डायबिटीज बढ़ी हुई आ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें अपना भी दोष है, इसे आपको मानना पड़ेगा। डायबिटीज का कंट्रोल मरीज और डॉक्टर दोनों मिलकर करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अधिक प्रयास जैसे कि कुछ एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा खान पान में परहेज करना, और आजकल अभी तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स फोन पे तो उपलब्ध हैं, आप उनसे बात करके अपना डोज को एडजस्ट करिए। तो सबसे पहले तो आप अपने एफर्ट से और डॉक्टर की दवाई से अपना डोज को एडजस्ट करके शुगर को कंट्रोल करिए, क्योंकि बॉडी में अगर कहीं भी शक्कर रहेगी तो चींटी आएगी, वैसे ही शुगर रहेगा तो वायरस आने ही आना है। तो अपने आप को स्ट्रांग रखिए। दूसरा, थोड़ा सा व्यायाम करने से बॉडी का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो थोड़ा सा योग और व्यायाम ये दोनों चीज बहुत लाभदायक होती है। मेरी सलाह आप टीवी के माध्यम से सभी लोगों से है कि अपने स्वास्थ्य को हम सिर्फ मतलब रहमो करम पे ना रहे भगवान से कि हमको वायरस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। हम कहते हैं हम अपने आप को, अपने शरीर को एक ढाल से क्यों ना ढांक दें। अगर हम बहुत अच्छा व्यायाम करते हैं, हम फिट रहते हैं, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी होती है, एक ढाल होती है। वायरस उस ढाल को, हर इंसान को, आपने भी मीडिया में पढ़ा होगा कि वायरस सबको संक्रमित नहीं करता, जो कमजोर होते हैं, बूढ़े, बच्चे या बीमारी होती है उनको संक्रमित करता है। तो अगर हम जानबूझ के एक ढाल छोड़ के रखें कि भाई मुझे शुगर है, बढ़ा हुआ है, मैं क्या करूं, मुझे लगता है आपको पुरुषार्थ दिखाना चाहिए, थोड़ा सा और गंभीर हो जाइए और सभी लोग गंभीर हो जाएं, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं हो रहा है। अगर आप स्वस्थ हैं, बिस्तर पे नहीं है, तो बिल्कुल डॉक्टर से उठिए, फोन लगाइए, बात करिए और फिट हो जाइए। और एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से, पवन। पवन बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताइए अपना। गुड इवनिंग मैम। जी
मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ, मेरी ड्यूटी कोरोना के सैंपल कलेक्शन में लगी हुई है जी। तो जो पीपी किट के साथ जो N95 मास्क पहनते हैं जी, तो उस मास्क को क्या दोबारा यूज कर सकते हैं कि डिस्ट्रॉय करना है जी? उसका उत्तर ये है कि आप N95 मास्क को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक मास्क को लगातार दो दिन यूज न करें, उसको सैनिटाइज करने के बाद उसको हो सके तो धूप में रखें या फिर गर्म हीट में रखें, उसके बाद कम से कम 3 से 4 दिन के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा करके अस्पतालों में ये होता है कि एक करीब 3 या 4 5 मास्क एक स्वास्थ्य कर्मचारी को दे दिए जाते हैं और वो रोटेशन कर करके एक यूज करता है उसको सैनिटाइज करता है, दूसरा यूज करता है उसको सैनिटाइज करता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि लड़ाई कितनी लंबी चलनी है। और हमें 95 मास्क को आदर्श तरीका तो ये है कि रोज निकाल के हम फेंक दें, बट अगर कहीं कमी हो जाएगी तो पूरी दुनिया में बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो अभी रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन ज्यादा करके लोग इस तरीके का पालन कर रहे हैं कि एक N95 को स्टराइल करते हैं, आप वॉश भी कर सकते हैं, पानी से भी धो सकते हैं, और उसके बाद उसमें ड्राई करके सैनिटाइज करके धूप में रख सकते हैं, तो 2 से 3 दिन के बाद आप उसको उपयोग कर सकते हैं दोबारा। आशीष जी, देखा जा रहा है कि मास्क को लेकर लोगों में अभी भी कह सकते हैं कि जागरूकता नहीं है और साथ ही लोग क्लियर नहीं है, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं मास्क को लेकर। चलिए अगले सवाल की ओर मैं बढ़ूंगी, चश्मे से भी क्या कोरोना वायरस फैल सकता है आशीष जी? जी, किसी भी ऐसी वस्तु जिस पे कि वायरस आके अपना घर बना ले टेम्परेरी, उसको हम फोमाइट कहते हैं मेडिकल की भाषा में, मतलब वो मेरी घड़ी हो सकती है, मेरा मोबाइल हो सकता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा मैम कि मोबाइल से ज्यादा संक्रमित चीज कोई नहीं होती है। स्टडी में पाया गया कि हमारा मोबाइल बहुत संक्रमित होता है, अभी इस कोरोना के समय भी नहीं वैसे भी हम, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है जहां हम कहीं भी रखते हैं, तो मोबाइल इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू हैव एंड वी नेवर स्टरलाइज इट, तो उसको साफ करना बहुत जरूरी। तो वैसे ही चश्मा एक प्रकार का फोमाइट है, तो जहां जहां अपने घर रुक जाएगा, अपना घर बना लेगा, तो चश्मा भी उसमें आता है, उससे फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है। आपको घर जाने के बाद चश्मे को भी साबुन पानी से धोना चाहिए, अगर आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है तो चश्मे को भी साफ कर सकते हैं जी। और इस बीच हमारे साथ में एक कॉलर और जुड़ गए हैं, भोपाल से राहुल। राहुल, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, अपना सवाल बताइए। सर नमस्ते सर, एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था, जब से कोरोना आया है तब से सर्दी जुकाम के सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली जिन सिम्टम्स में पता चल रहा था कोरोना है, बीच में कुछ डाइजेशन को लेके भी आया था, पर ये आँखों से कैसे पता चलेगा आँखों में कोरोना, आँखों की क्या रोशनी में प्रॉब्लम आती है, मीन्स आँखों से भी कोई सिम्टम्स आते हैं? क्योंकि मुझे कुछ दिनों से आँखों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पानी सुबह उठता हूँ तो आँख भारी होते हैं, पानी बहता है, कुछ लालपन भी होता है, तो आँखों का भी कोई कनेक्शन है क्या कोरोना से? जी, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत ही उसी से करी थी, आंखों का एक ही कनेक्शन है, वो है कंजंक्टिवाइटिस होना या फिर आंख आ जाना। तो जो लक्षण होगा जैसे वैसे ही होगा, जैसे नॉर्मल हमारी आंख आ जाती है, साल दो साल अपन ने देखा होगा बचपन से कई बार अपनी आंख आ जाती है, तो कैसा होता है आंख लाल हो जाएगी, आंख में चीपड़ आएगा, आंख से पानी निकलेगा। लेकिन एक चीज जो नहीं होगी वो ये है कि रोशनी में कमी नहीं आती। हाँ, चीपड़ से थोड़ा सा धुंधलापन दिखे, आप चीपड़ हटाएंगे आंख साफ करेंगे तो साफ हो जाता है, तो परमानेंट धुंधलापन इस बीमारी में नहीं आती। तो ज्यादा करके जो लोग आशंकित हैं कि मेरी हर बीमारी शायद कोरोना तो नहीं है, इतना आशंकित और इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना आंखों को उतना संक्रमित नहीं करता। यस मैम जी। और एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं जोधपुर से, आरके जैन। आरके जैन, बहुत स्वागत है आपका, आपका सवाल बताइए क्या है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क के लिए मैं आ सही। आप मैं 80 साल की ओल्ड एज है मेरी जी, 80 ईयर्स। क्या जानना चाहते हैं मैं? मेरे आंखों देख तो सही रहे, अखबार पढ़ लेता हूँ, क्यों कोरोना का तो सकता है आंखों में? हेलो, नहीं होगा, ईश्वर ने आपको इतना स्वस्थ रखा है इतने दिनों तक, तो आप चिंता ना करें। नहीं होगा, ना चिंता ना करें, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा लोगों को आपके टीवी के माध्यम से मैम, कि हमारे मन स्थिति का हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति पे बहुत फर्क पड़ता है जी। तो अगर हम हर समय आशंकित रहेंगे कि मुझे कुछ हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये रिसर्च में पाया गया है, वो डाउन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे किसी दिन हम बीमार हों या किसी दिन बहुत मूड खराब हो, तब
कुछ गड़बड़ चल रही है जिंदगी में तो बीमार ज्यादा पड़ने पर लगता है इंसान, क्योंकि इम्यून सेल्स हमारी सोच को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं अपने आपके माध्यम से सारे देशवासियों को अनुरोध करना चाहूंगा कि ये तो हमारे हाथ में है, बीमारी अपना काम करे सो करे, बट हम अपना सिस्टम को स्ट्रांग रखें। ठीक है, आपके माध्यम से लोग जानना चाह रहे हैं, और मैं कई टीवी चैनलों में जाता हूं तो लोग मैं देखता हूं बहुत ज्यादा भयभीत हैं कि इससे तो नहीं हो जाएगा, उससे तो नहीं हो जाएगा। बहुत डरे नहीं और पॉजिटिव रहें। जी आशीष जी, यहाँ पर आपने डर की बात कही तो ये जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उससे पहले कहा जा रहा था कि कम एज वालों को कोरोना का ज्यादा खतरा नहीं है, ज्यादा एज वालों को ज्यादा खतरा है, और फिर ये भी बात कही गई कि जो जिनकी एज ज्यादा है उनको पहले से काफी बीमारियां रहती है तो उनको खतरा ज्यादा है। यहाँ जो यंग लोग हैं उनको थोड़ी राहत तो जरूर मिलती है, पर जिनकी एज ज्यादा है वो ज्यादा पैनिक यहाँ पर नजर आने लगते हैं। सावधानियां बताई गई है जिनकी उम्र ज्यादा है, क्या उसके अलावा भी क्या कोई और सावधानी बरतने की उनको जरूरत है? मुझे नहीं लगता मैम कि इसके अलावा कोई विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ज्यादा करके होता क्या है कि हम थोड़ा सा जैसे कॉमन गलतियां कर देते हैं, जैसे खासकर अगर मध्य प्रदेश में लेंगे तो सब्जी से, दूध से भी फैल रहा है, तो हमें एक्सट्रीम कॉशन की आवश्यकता है। अगर सब्जी लेते हैं तो सब्जी को साबुन पानी से धो के, फिर पानी से दो बार धो के धूप में रख दीजिए। धूप में यूवी लाइट होती है तो बहुत बढ़िया एक सैनिटाइजर जो होता है वो तो धूप भी होता है, आप उसको धूप में रख दीजिए। दूध लाते हैं तो दूध को साफ करिए अच्छे से और उसको उसके बाद इस्तेमाल करिए, और कुछ नहीं। ओके, और हमारे साथ में लखनऊ से कॉलर छूट गई है वंदना शर्मा। वंदना, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। सर ये मैडम, ये मेरी आंखों के सामने कुछ काला तीन सा घूम रहा है। जी जी, मेरी आंखों के सामने काला तीनसा घूम रहा है। ये आंखों के सामने देखने में कोई परेशानी नहीं है, ऐसा पानी काला 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 तीनसा घूमता हुआ दिख रहा है। जी, आपको जो आंखों के सामने काला काला दिख रहा है इसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में फ्लोटर बोलते हैं, मतलब कोई चीज उड़ती उड़ती दिखती है। आंखें एक हमारी समझ लीजिए कैमरा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये पानी से भरा हुआ कैमरा है, तो उस पानी में जो आमतौर पर पारदर्शी साफ पानी की तरह जो जल होता है उसमें कभी कभी कोई कचरा आ जाता है, और चूंकि आंखों का काम देखना है तो वो जो कचरा है वो जो हिलता है तो उसकी एक इमेज रेटिना में पड़ती है। 80% केसेस में ऐसा होता है कि जो कचरा है नॉर्मल होता है और इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर ये अभी आपको आया है और अगर इस कचरे के साथ अगर आपको लाइट की चमक फील हो रही है, या अगर ये कचरा ज्यादा लग रहा है, बढ़ गया पहले से, या रोशनी कम हो रही ऐसा लग रहा है, तो फिर आपको एक बार आंखों के विशेषज्ञ को, खासकर जो रेटिना के स्पेशलिस्ट होंगे, आंखों के भी अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, तो रेटिना स्पेशलिस्ट होंगे जो रेटिना की जांच कर रहे हैं, या फिर वो डॉक्टर जो रेटिना में एक्सपर्ट हैं उनको आपको दिखाना चाहिए। ठीक, लेकिन बहुत डरने की बात नहीं है। ठीक, भोपाल से कॉलर हमारे साथ में जुड़ गया है मनोज। मनोज, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। ये पूछ रहा है कि एक महीना हो गया लगभग बंद हुए, खाना हजम नहीं होता है, खाना गले में ऐसा लगता है कभी कभी कि कुछ वैसा अटक रहा है, तो ये खाना हजम नहीं होने से या क्या है, रहता है कभी कभी होता है? जी मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों से गर्मी भी काफी तादाद में बढ़ गई है पहले से, और थोड़ा सी इनएक्टिविटी होने से हमारे बॉडी का जो सिस्टम होता है, जो हमारी अतड़ियां हैं, वो भी एक लहर में खाने को आगे बढ़ाती हैं, तो धीरे से खाना आगे बढ़ता जाता है, तो वैसे मूवमेंट्स हमारी बॉडी के मूवमेंट से भी डिपेंडेंट होता है। तो थोड़ा सा अगर आप जितनी उस लिमिटेड मोबिलिटी में आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर थोड़ा सा अगर आप व्यायाम कर सकें खाने के पहले, कम से कम खाना खाने के पहले, उसके बाद आप रुक के 10 मिनट के बाद खाना खा लें, खाली पेट में थोड़ा व्यायाम कर सके, और दूसरा खाने की मात्रा को और खासकर जो बहुत हैवी पदार्थ हैं, जो तैली पदार्थ है, उसको थोड़ा सा कम खाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये हैवीनेस कम लगेगी। और रहा सवाल गटकने का, तो वो एक आजकल गर्मी में ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है, तो एक हल्का सा आधा घूट पानी के साथ आप लीजिए, मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी बात है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है तो फिर एक बार आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से कपिंद्र। कपिंद्र, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। मैडम, मेरा ये सवाल ये है कि 2 दिन से मैंने गले में खराश हो रही, गले में खराश, तो ये लक्षण तो नहीं है कोरोना का? नहीं,
आप सिर्फ सलाइन गार्गल करिए, पानी को उबाल के नमक डाल के थोड़ा सा, कुनकुना होना चाहिए पानी, बहुत ठंडा ना हो और नमक थोड़ी मात्रा ज़्यादा हो, और दो बार गरारा करिए दिन में, आप 3 दिन में अच्छे हो जाएंगे। देखिए अगर मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने अभी स्टीम की बात कही थी कि आप स्टीम लीजिए, जिससे कि नाक गला और फेफड़े, वो स्टीम पूरा वायरस इतना कमज़ोर होता है कि वो वायरस गर्मी को सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से अगर कभी किसी को गला पकड़ ले या गला खराश हो जाए तो गार्गल एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो गार्गल अगर गर्म पानी से हम करते हैं तो भी वो वायरस पूरा जो भी है वो बाहर आ जाएगा। और ज़्यादा करके वायरस जो आजकल हो रहा है ये मौसमी बदलाव के साथ, नॉर्मली वायरस में भी आजकल सर्दी खांसी बुखार सबको होता है, तो ऐसा ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये हुआ है तो मेरे को कोरोना ही हो जाएगा। कोरोना होने के लक्षण ये हैं कि जब तक आपको सांस लेने में कोई तकलीफ ज़्यादा ना हो, बुखार ज़्यादा आने लग जाए और खासकर छाती के सिम्टम्स आने लग जाएँ, तो फिर थोड़ा सा अपने को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो भी एक 7 दिन निकल जाए उसके बाद। जी, और एक पालर और हमारे साथ में जुड़ गए हैं आगरा से, सूर्यकांत गुप्ता। सूर्यकांत गुप्ता बहुत स्वागत है आपका सवाल सेहत में, सवाल बताइए अपना। डॉक्टर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं चश्मा लगाता हूँ तो मैं चश्मा कितनी देर तक लगा हूँ तो उसके बाद कितनी बार दूर हूँ, मेरी आंखों में साइडों में जलन मचती रहती है। डॉक्टर मैं क्वेश्चन रिपीट करेंगे अपना प्लीज, आप थोड़ा सा टीवी से दूर चले जाइए, आप थोड़ा सा टीवी से दूर चले जाइए और अपना जो सवाल है उसे दोहरा दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे कि मेरी चश्मा लगाता हूँ तो आंखों में जलन की मस्ती रहती है, और मोबाइल चलाता हूँ तो भी उसे आंखों में जलन मस्ती है, तो इस बारे में कुछ बताएं डॉक्टर। मैं आपकी द्वारा हमारी रहूंगा जी। बहुत जी धन्यवाद, ये बात आपके माध्यम से शायद बहुत सारे लोग ऐसी बात पूछना चाह रहे होंगे। वो ये रहा है कि जब हम लॉकडाउन में जब घर पे हैं तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया। स्क्रीन टाइम मतलब कोई भी मोबाइल हो चाहे टीवी हो, उसका स्क्रीन हम जब देखते हैं चाहे वो कंप्यूटर हो, तो हमारे पलक झपकाने की जो गति, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे मेरी पलक झपक रही बार बार, 1 मिनट में 12 बार पलक झपकती है, तो ये जो पलक झपकाने की जो गति है ये कम हो जाती है, इससे आंखें सूखने लगती हैं। तो सिंपल सा उपाय ये है कि पहला तो खूब सारा पानी पिएं, तीसरा जिस कमरे में आप बैठते हैं बहुत तेज पंखा ना चलाएं या सीधे हवा आंखों के सामने आ रही है कूलर की या फिर एसी की या पंखे की, ये नहीं होना चाहिए। और तीसरा आंखों में पानी के छींटे मारेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चश्मा अगर आपको लगा हुआ है तो चश्मा लगाकर आप जो भी है टीवी या मोबाइल देखें। और एक चीज और है कि मैं सबसे कहना चाहूंगा कि मोबाइल टीवी और व्हाट्सएप के अलावा कुछ क्रिएटिव हम करना चाहें तो ज्यादा अच्छा होगा, इससे हमारी आंखों को थोड़ा सा विश्राम मिलेगा। अगर कितना भी हम ये उपाय कर लें, पानी पी लें और हवा से बच लें, आंखों को छींटे मार लें, लेकिन अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है तो आंखें कहीं ना कहीं जवाब देने लग जाएंगी, तो बेटर है कि आप उससे हटके थोड़ा सा बीच में उसको ब्रेक दें आंखों को और कुछ क्रिएटिव करें। जी आशीष जी, कोरोना से बचने को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि गर्म पानी से आप नहाइए, गर्म पानी पीजिए, गरारे कीजिए, और अभी आपने बताया कि स्टीम भी आप ले सकते हैं, पर जो आंखें हैं वो काफी सेंसिटिव अंग माना जाता है, उसमें मुझे लगता है कि स्टीम नहीं ले सकते तो उसकी जगह पर क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं? जी जब आंखें जब स्टीम लेते हैं मैम, महिलाएं तो बहुत सारे स्टीम लेती हैं, आप देखते भी तो ब्यूटी ट्रीटमेंट माना जाता है, एस्टैब्लिश है, इट इज नथिंग टू बी फेयर्ड ऑफ। अब इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें खोल के स्टीम लेते नहीं, और मैं तो ऑलमोस्ट डेली स्टीम लेता हूं, खुद मैं अनुभव करता हूं, मुझे स्टीम से उतना तकलीफ नहीं, क्योंकि स्टीम अगर आप दूर से लेते हैं तो उसका तापमान मुझे नहीं लगता कि 30-40 डिग्री के ऊपर जाता है, जो हॉट स्टीम्स सोनाज होते हैं उसमें 50 डिग्री जाता है, मैंने इसका रिसर्च किया हुआ है पूरा, 30-40 डिग्रीज में कोई नुकसान नहीं हुआ, ना चिंता ना करें। जी तो आशीष जी ऐसा कह सकते हैं कि आंखें बंद करके भी अगर स्टीम लेते हैं तो उसका असर आंखों पर बखूबी होगा। जी चलिए आशीष जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोगों के ऐसे डाउट्स थे जो आज आपके माध्यम से वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपके लिए भी काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा और बहुत सारे डाउट्स आपके भी आज क्लियर हुए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बना ये